सलाम अदाब नमस्कार सत श्री अकाल। लड़के की शक्ल देख के कुछ याद आया? नहीं आया यार। मेरा नाम ना अंकुश मित्तल है। आपने मुझे या मुझ जैसे किसी शख्स को ना अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो जरूर देखा ही होगा। जो नहीं देखा होगा, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो वैसे देख रहे होंगे। अंग्रेज हिंदी बोल रहे भाई। आप लोगों ने मुझे कभी ना कभी तो पक्का चिढ़ा आप लोगों ने कभी ना कभी मुझे या मुझ जैसे किसी शख्स को पक्का चिढ़ाया होगा। मैं बचपन से ही बड़ा हूँ, आई एम 21 ईयर ओल्ड। तो देन मुझे किस तरह का तुम लोग चिढ़ाते थे मैं बताता हूँ। चंद्रमुखी चंद्रमुखी सूरजमुखी चिट्टा और फुलवारी। मैं रेडियो जॉकी बनना चाहता था, था नहीं स्टिल बनना चाहता हूँ। 10th क्लास से पैशन था कि यार बंदा बनेगा तो रेडियो जॉकी ही बनेगा। एक दिन मुझे लोग मेरे कलर से नहीं, मेरी आवाज़ से पहचानेंगे। लेकिन उसमें भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ मेरे साथ। सोशल डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ बचपन से ही होता आ रहा है। बताया जैसे कि आपको, मैंने बच्चे मेरे साथ नहीं खेलते थे, पता नहीं उनको भी ऐसा हो जाएगा। या कई जो मुझे पहली बार मिलते थे उनको लगता था मुझे एड्स से भी खतरनाक बीमारी है, हाथ मिलाने से भी फैल जाएगी सब। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत बुरा लगता था। हम सब लोग अपने आसपास अक्सर ऐसे लोगों को देखते हैं जिनकी त्वचा और बालों का रंग एकदम सफ़ेद दिखाई देता है। कुछ लोग इन्हें अंग्रेज, सफ़ेद, भूरा, चितकबरा और पता नहीं क्यों सूरजमुखी भी कहते हैं। इतना ही नहीं, हमारे समाज में कई लोग या तो ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं या इनसे दूर भागते हैं ये सोचकर कि कहीं उन्हें भी ये बीमारी ना लग जाए। मेरा सवाल ये है, आपने अपने आसपास कुछ ऐसे लोग देखे जिनकी स्किन वाइट होती है, बाल भी वाइट होते हैं, उनको एल्बिनोज बोलते हैं वैसे, तो आपको क्या लगता है कि उनको क्या क्या दिक्कत है, उनको क्या बीमारी है? कभी सोचा ही नहीं, हम तो सोचते बहुत खूबसूरत है, मिरेकल है। मेरी एक भतीजी है ना ऐसे, तो मैं तो मिरेकल सोचता हूँ ताकि वो कभी डिमोटिवेट ना हो ये सोच के वो अलग है औरों से। पिगमेंटेशन है, पता नहीं ये तो कुछ होगा, कुछ जेनेटिक बीमारी होती है और क्या कुछ हो सकती है, स्किन पिगमेंट्स में प्रॉब्लम आती है। तो कई सारे जो ऐसे लोग हैं उनका कहना है कि उनको ना लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, उनका उनकी बेइज्जती करते हैं, तो आपको उनको देख के कुछ अलग लगता है? नहीं ऐसा, अब ये ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई लंगड़ा है, कोई लूड़ा है, कोई अंधा है, हर एक को भगवान ने कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटीज़ दी हैं, तो वो तो सहना पड़ेगा, बाकी करेज होना पड़ेगा फेस करने के लिए, और क्या चाहिए। तो हमारे आसपास आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो एकदम, जिनकी जो त्वचा होती है एकदम सफ़ेद होती है, बाल भी सफ़ेद होते हैं, अंग्रेज जैसे दिखते हैं जो थोड़े थोड़े, तो आपको क्या लगता है उनको क्या कोई दिक्कत है, वो क्यों ऐसे होते हैं? पता नहीं क्यों होते हैं, अपने तो कुछ आदस्य होते हैं, कुछ तो मतलब ऊपर वाले के जो दयान होते हैं ऐसे होते हैं, जो भगवान करे वो तो है। वो इसलिए होते हैं, कुछ कुछ कमियां होती है उनके अंदर, जो शरीर के अंदर कुछ कमियां होती है उसकी वजह से वो होते हैं। वो जो गलतियां करते हैं ना उसमें उनके जो खून की खून में कुछ कमियाँ हो जाती है, उसकी वजह से वो बीमारी आ जाती है। और वो कहते हैं छूत की बीमारी भी होती है। आपको लगता है वो छूने से फैलती है? हाँ जी फैलती है, वो फैलती है। तो आपको क्या लगता है उनको क्या बीमारी है, क्या रीज़न हो सकता है उनके ऐसे होने का? पता नहीं मन नहीं कर रहा सोचने का। तो आपको लगता है कि वो कोई जैसे छुआछूत, जैसे अंकल कह रहे हैं छुआछूत की बीमारी है वो, मतलब छूने से फैलती है, तो आपको लगता है ऐसा है? नहीं मुझे लगता है ऐसा, ये छूने से फैलती है। तो आप लोग उन लोगों से मतलब दूर रहते हो, आप कह रहे हो अगर छुआछूत है तो दूर रहते हो? या आई डू दैट। तो आपको क्या लगता है वो ऐसे क्यों होते हैं? पता नहीं है कैसे, कभी सोचा नहीं आपने? नहीं। तो आप अगर, आपको ऐसा कोई इंसान मिलेगा आप उसको छुओगे? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फैलती है बीमारी, तो आपको क्या लगता है? नहीं नहीं छुएंगे। नहीं छुओगे? आपको लगता है फैल जाएगी? मेरे को नहीं पता लेकिन उस बारे में। आपने देखे ऐसे लोग? बहुत कम देखे। आपको क्या लगता है उनको क्या क्या दिक्कत हो सकती है? कोई बीमारी हो सकती है, अब इस बारे में तो मुझे पता नहीं है। क्योंकि कई लोग कह रहे हैं ना भगवान ने दिया है तो उनको झेलना है, भगवान ने उनको दिया। भगवान थोड़ी देता है, किसी को बीमारी हो जाए तो भगवान देगा। लोग ऐसे कह रहे हैं। अब लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते रहेंगे। तो आपने देखा ही कि लोगों को कितनी जानकारी है इस विषय के बारे में, लेकिन हम सब लोगों की यही तो एक खास बात है कि बिना कुछ जाने हमें राय देना अच्छे से आता है, और बिना कुछ जाने ऐसे लोगों का मजाक उड़ाने वाले या उनसे दूर भागने वाले लोगों के तो क्या ही कहने। पर ना तो हम किसी का मजाक उड़ा पाएंगे और ना ही किसी से दूर भागेंगे जब हम ये समझ जाएंगे कि आखिर में ये बीमारी है क्या और क्यों कुछ लोग ऐसे दिखाई देते हैं। इंग्लिश में इस बीमारी को एल्बिनिज्म कहा जाता है और ऐसे लोगों को एल्बाइनोस। एल्बिनिज्म नाम की ये कंडीशन किसी भी देश के लोगों को हो सकती है, फिर चाहे वहाँ के लोग काले हों या गोरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये दिक्कत सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों और पेड़ पौधों में भी देखी जाती है।
जानवर और पौधों में भी होता है, ये एल्बिनिज्म है क्या? हमारी त्वचा का रंग हमें अपनी त्वचा के नीचे मौजूद एक पिगमेंट मेलेनिन से मिलता है और इसी मेलेनिन का टाइप और उसकी मात्रा हमारी त्वचा का रंग तय करती हैं। साथ ही साथ ये मेलेनिन हमारे बालों और आँखों के रंग के लिए भी जिम्मेदार है। कुछ लोगों की त्वचा में ये मेलेनिन बहुत कम मात्रा में बनता है या बिल्कुल भी नहीं बनता, और ये एक जेनेटिक कंडीशन होती है जो उनके जीन्स में होने वाले बदलाव या गलतियों के कारण होती है। शरीर में इस मेलेनिन के ना बनने की वजह से उनकी त्वचा और बालों में रंग नहीं होता और वो सफेद दिखाई देते हैं। मेलेनिन हमें सूरज से निकलने वाली खतरनाक यूवी रेस से भी बचाता है और हमारे लिए एक सनस्क्रीन की तरह काम करता है। एल्बाइनोज में ये सुरक्षा कवच, ये सनस्क्रीन, ये मेलेनिन ना होने की वजह से उनकी त्वचा के धूप में जलने और स्किन कैंसर होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। साथ ही साथ मेलेनिन हमारी आंखों की रोशनी, हमारे विजन में भी मदद करता है और इसी वजह से एल्बाइनोज को आंखों की परेशानियां जैसे रैपिड आई मूवमेंट यानी आंखों का बार बार इधर उधर हिलना, ज़्यादा रोशनी में ना देख पाना, धूप की तरफ ना देख पाना आदि जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। एल्बिनिज्म भी अलग अलग टाइप का होता है और इसके सिम्टम्स भी हर एल्बाइनो में अलग हो सकते हैं। आपने अभी देखा ही कि कुछ लोगों को लगता है कि एल्बिनिज्म ये बीमारी छूने से फैलती है, पर असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एल्बिनिज्म छूने से नहीं फैलता, बल्कि एक बच्चे को ये एल्बिनिज्म ये बीमारी उसके माता पिता द्वारा जीन्स में मिलती है। आज मेरा खुद का ऑफिस है सेक्टर 17 में। ओ, आप क्या काम करते हो? यार मेरे ना आईएलएस पढ़ाता हूँ, मतलब मैं नहीं पढ़ाता, टीचर रखी हुई है, आईएलएस एकेडमी है मेरी, और मैं स्टडी वीजा में डील करता हूँ। तो यार लोगों से मैं कुछ नहीं कहना चाहता, तो कोई एल्बिनो बंदा होता है उसको तुम्हारी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं होती, या किसी भी इंसान को जो विजुअली चैलेंज है। बस तुम्हें एक समझाने वाला नहीं चाहिए होता, बस तुम्हें समझने वाला चाहिए होता, तुम्हें कोई समझने वाला चाहिए होता कि तुम्हें कोई समझ सके। वैसे बड़ी अच्छी लाइन बोली आपने। एल्बिनिज्म की वजह से होने वाली दिक्कतें इतनी बड़ी नहीं हैं जितना बाकी लोगों का ऐसे लोगों के साथ भेदभाव करना या उनको चिढ़ाकर, उनका मजाक उड़ाकर उन्हें तंग करना है। आप जानते ही हैं कि ऐसे लोगों को हमारे समाज में एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, पर वो इसीलिए है क्योंकि हम इन लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, क्योंकि अब इस वीडियो को देखने के बाद हम जान गए हैं कि एल्बाइनोज में बस एक पिगमेंट, एक मेलेनिन की ही कमी होती है, और अब हमारे अंदर से भेदभाव, उनका मजाक उड़ाना, उनसे दूर भागना आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें समझ आ गई है। और अंदर से क्या आएगा? अंदर से आएगा कि भैया ये आज का प्रश्न क्या मस्त चैनल है, ये लड़की क्या काम कर रही है। अभी करते हैं सब्सक्राइब, घंटी दबाते हैं, लाइक करते हैं और फिर भैया इसकी वीडियो को शेयर करते हैं, क्योंकि शेयर करना तो बनता है। इसी तरह की वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब करके, घंटी दबा के, बार बार चैनल पे आके, लोगों को दिखा दिखा के, दूसरी बार वीडियो देखिए। और भी मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं। और बस फिर मैं मिलती हूँ आपको अगले हफ्ते एक नए मज़ेदार से वीडियो के साथ।